प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, या देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है, 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है, इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगुना कर रहा है। इन सालों में प्रति व्यक्ति की आय दुगुनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। इस बजट में जहां मध्यम वर्ग के लोगों की विशेष रूप से चिंता की हुई है, हमारे जनजाति वर्ग के लोगों की 38,000 शिक्षकों की एकलव्य विद्यालयों में भर्ती का प्रावधान इसमें किया गया है, जो निश्चित रूप से रोजगार सृजन के साथ साथ शिक्षा के और जनजाति विकास के क्षेत्रों की संभावनाओं को भी बढ़ाने वाला बजट होगा। इसके साथ साथ यह बजट सभी के लिए, मैं कहूंगा कि सर्वस्पर्शी भी है और सर्वग्राही भी है। यह बजट भारत के गरीब लोगों को समर्पित है और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उस कल्पना को साकार करने वाला बजट है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ, सबका साथ, सबका प्रयास, सबको लेकर चलने वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से चिंता की गई है। आधारभूत संरचना, आगे के जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेलीपोर्टों का विकास है, नए एयरपोर्ट बनाने हैं, उन सभी पर रखा गया है। और राज्यों के लिए भी इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। हमें भी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे सीमांत क्षेत्रों को और हमारे जैसे हिमालयी प्रदेशों को भी निश्चित रूप से इस बजट में विशेष रूप से आगे बढ़ने का जो एक प्रस्ताव है, हम सबको जो है हमारी अपेक्षा अनुसार होना चाहिए।